आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट फ्री क्लाउड स्टोरेज इन इंडिया फॉर 2021। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों को एक बेटर सॉफ्टवेयर परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैंने काफ़ी बात करी है इस चैनल के ऊपर। रिसेंटली मैंने बेस्ट क्लाउड स्टोरेज इन इंडिया का वीडियो भी बनाया था, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वो पेड वाला था। आज हम लोग बात करेंगे फ्री क्लाउड स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने एनालाइज करे हैं। पहला तो ये है कि वो कितनी स्टोरेज स्पेस दे रहे हैं हमें, क्या स्पीड मिल रही है हमें, कैसी उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है, कैसा उनका यूज़र इंटरफेस है, कैसे उनकी शेयरिंग की फंक्शनैलिटी है। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स है जिस पर मैंने डिसाइड किया है। सो बिना किसी डिले के हम लोग शुरुआत करते हैं। जो नंबर वन है हमारी लिस्ट में वो है mega.nz। mega.nz एक काफ़ी पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज ऑप्शन है। नाउ जब इसके पेड प्लान्स की मैं बात करता हूँ तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है, लेकिन जब मैं इसके फ्री प्लान्स की बात करता हूँ तो ये काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आपको 15 GB की फ्री स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें आपको जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन भी मिल जाता है, स्पीड्स भी अच्छी है एंड प्राइवेसी पॉलिसी भी इसकी अच्छी है कंपेयर टू गूगल। सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर फ्री। तो 50 GB ये लोग यहाँ पे मार्केट करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में रहती है वो सिर्फ 15 GB रहती है, और जो बाकी का रहता है वो अचीवमेंट्स पे डिपेंड करता है। आपको किसी को रेफर करना पड़ेगा, जो जो ये लोग टास्क देंगे उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रहता है, वो टेम्प्रेरी रहता है कुछ टाइम के लिए। तो एक्चुअल में आपको 15 GB मिलेगी, लेकिन 15 GB भी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन भी है, स्पीड भी अच्छी है इसकी और प्राइवेसी पॉलिसी भी डिसेंट है। सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर फ्री। नाउ बिफोर आई जंप ऑन टू अदर ऑप्शंस, आई वुड लाइक टू थैंक टुडेज वीडियो स्पॉन्सर होस्टिंगर। होस्टिंगर एक अफोर्डेबल होस्टिंग सर्विस है जो कि बिगनर्स के लिए काफी अच्छी है, इजी टू यूज है, इसका अप टाइम भी अच्छा है, बैकअप ऑप्शंस भी है, लाइट स्पीड सर्वर्स का यहाँ पे यूज किया गया है, सिंगापुर में भी इसके सर्वर्स है, तो इंडियन यूजर्स के लिए और अच्छी है। और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे और कूपन कोड एंटर करोगे कृपेश, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप लोग मेरे लिंक से परचेस करते हो तो आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी फ्री एंट्री मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने सिखाया कि होस्टिंगर में ऑपरेट कैसे करना है एक बिगनर के लिए। और अगर आपको ये होस्टिंग पसंद नहीं आती है तो आप लोग 30 दिन के अंदर फुल रिफंड क्लेम कर सकते हो। अगला जो हमारे पास क्लाउड स्टोरेज ऑप्शन है वो है pCloud। यहाँ पर आपको 10 GB की फ्री स्पेस मिलती है। जैसे ही आप लोग अकाउंट क्रिएट करोगे 2 GB आपको इजीली मिल जाएगी, बाकी की जो है 7 GB उसमें से इजीली मिल जाती है। आपको उसके ऐप इंस्टॉल करने हैं, पहली कोई फाइल अपलोड करनी है, ऑटोमेटिक बैकअप्स ऑन करने हैं, ये सारे स्टेप्स करोगे आपको 7 GB तक इजीली मिल जाएगी। और जो बची हुई 3 GB है वो तब आपको मिलेगी जब आप लोग किसी यूजर्स को रेफर करोगे। तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी है, जो सर्वर्स है वो EU में है, यूरोपियन यूनियन में है, स्पीड भी आपको अच्छी देखने को मिलती है, शेयरिंग ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। तो इट इज़ अ डिसेंट ऑप्शन फॉर फ्री। लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि जो फ्री वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन नहीं देखने को मिलता है, वो सिर्फ पेड वाले में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर एक 6 मंथ का इनएक्टिविटी क्लॉज है, मतलब अगर आपने अपना pCloud वाला अकाउंट 6 महीने तक नहीं खोला तो फिर वो लोग इसे डिलीट कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से pCloud एक अच्छा ऑप्शन है, फ्री में भी पेड में भी। अगर आप लोग इसे फ्यूचर में अपग्रेड करने का भी सोचो तो भी इसे ले सकते हो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर राइट नाउ। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास sync.com। sync.com प्राइवेसी फोकस क्लाउड स्टोरेज कंपनी है। यहाँ पर आपको 5 GB फ्री में मिल जाती है, जैसे ही आप लोग अकाउंट क्रिएट करोगे आपको 5 GB की फ्री स्टोरेज मिल जाएगी। और इसकी खास बात यह है कि इनका रेफरल सिस्टम अच्छा है, तो यहाँ पर आप लोग 15 लोगों को रेफर करके 15 GB और ले सकते हो, तो आपके पास टोटल हो जाएगी 20 GB की फ्री क्लाउड स्टोरेज सिंक के ऊपर। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी काफ़ी अच्छी मिलती है, जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन मिल जाता है, शेयरिंग ऑप्शंस इनके काफ़ी अच्छे हैं, और इनका जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। सो sync.com की खास बात है उनकी प्राइवेसी पॉलिसी और सिक्योरिटी फीचर्स, और 20 GB तक का रेफरल के थ्रू आपको फ्री स्टोरेज भी मिल सकती है। अगला ऑप्शन है icedrive। icedrive एक नई क्लाउड स्टोरेज कंपनी है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को काफ़ी एस्टैब्लिश करते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 10 GB की फ्री क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगी, इनकी स्पीड्स काफ़ी अच्छी है, यूज़र इंटरफेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, क्लीन है, प्राइवेसी पॉलिसी भी इनकी अच्छी है, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे फेस करने को नहीं आई है। मेरे पास इनका पेड प्लान है, इनका जो फ्री वाला है वो भी अच्छा है, फ्री में आपको जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन नहीं मिलेगा, बट स्टिल इट इज़ गुड। लेकिन यहाँ पर शेयरिंग के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड है, आपको डिटेल रिव्यू मिल जाएगा, वो मैंने कवर किया है आई बटन के ऊपर। अगला ऑप्शन है सबसे फेमस गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव ऑलमोस्ट सभी के पास है, जैसे आप लोग जीमेल अकाउंट बनाते हो आपको गूगल ड्राइव मिल जाती है, जहाँ पे 15 GB की स्टोरेज भी है, सो दैट्स गुड। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से गूगल ड्राइव की स्पेस आपकी ज़्यादा जल्दी भर जाएगी। जो भी आप लोग फोटोज अपलोड करते हो, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, वो सब गूगल ड्राइव की स्टोरेज में काउंट होगा, उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा।
तो 15 GB की आपको स्टोरेज मिल रही है, लेकिन एज वी नो गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसकी मैंने प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर भी वीडियो बनाया था, वो भी आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। तो गूगल ड्राइव का आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली इसे डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ, कोलैबोरेशन के लिए यूज़ करता हूँ, इट इज़ परफेक्ट फॉर दैट। एंड फ्री में आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको प्राइवेसी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी से प्रॉब्लम नहीं है, तो 15 GB की फ्री स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हो। अगला ऑप्शन है वन ड्राइव, जो कि आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पर आपको 5 GB की फ्री स्पेस मिल जाती है। मैं पर्सनली वन ड्राइव को ऑफिस डॉक्यूमेंट्स और वन नोट के लिए यूज़ करता हूँ, आप लोग भी इसके लिए यूज़ इसे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डीगो, इसने काफ़ी तहलका मचा के रखा है क्लाउड स्टोरेज में, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 GB की फ्री स्पेस ये दे रहा है। तो यहाँ पर आपको दो प्लान्स देखने को मिलते हैं, फ्री भी है, पेड भी है। आज हम लोग फ्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं फ्री ही यहाँ पर फ्री के सारे फीचर्स आपको बताऊँगा। तो 100 GB की यहाँ पर फ्री स्पेस मिलती है, और इसकी खास बात यह है कि ये एक्सटेंड हो सकती है 500 GB तक। कैसे एक्सटेंड होगी? रेफर करके एक्सटेंड की जा सकती है, और एड्स देख करके भी एक्सटेंड करी जा सकती है। सो बस इसकी स्टोरेज ही अच्छी है, बाकी इसमें कुछ मुझे खास नहीं लगा है। स्पीड ओकेश है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। एड्स इसमें हर जगह पे भरे पड़े हुए हैं, फ्री वाले वर्जन में तो ऐप में, वेबसाइट में, कुछ भी यहाँ पर इनका ऐप डाउनलोड करके देख लो, कोई भी स्क्रीन खोल लो, एड्स भरपूर आपको मिल जाएंगे। जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन नहीं है फ्री प्लान्स में, और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर अगर आप लोगों ने डीगो को नहीं यूज़ किया है 2 महीने तक, तो वो आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे। तो ये pCloud से भी ज़्यादा खतरनाक है। pCloud में हमें 6 महीने मिल रहा था, डीगो में अगर आपने 2 महीने तक नहीं यूज़ किया तो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाएगा। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं है, फाइल मैनेजमेंट इनका कुछ खास मुझे नहीं लगा है, और यहाँ पर आप ज़्यादा लार्ज फाइल्स भी अपलोड नहीं कर सकते हो। फ्री प्लान में सिर्फ 512 MB तक की मैक्सिमम फाइल साइज है जिसे आप लोग अपलोड कर सकते हो। शेयरिंग के भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मुझे नहीं देखने को मिले हैं। सो डीगो एट प्रेजेंट मुझे उसका प्रीमियम ऑप्शन तो वैसे ही पसंद नहीं है। फ्री भी इज़ ओकेश, न्यूट्रल ओपिनियन है मेरी इसके बारे में। अगर आपको एड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 2 महीने में इसे खोल खोल के देखते रहोगे, तो फिर डीगो की तरफ आप लोग देख सकते हो। सो डीगो को यूज़ करना है कि नहीं करना है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है जियो क्लाउड, जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है, जियो की तरफ से आता है, रिलायंस जियो की तरफ से। ऑफिशियल जियो क्लाउड की जो सर्विस है वो है जियो क्लाउड। यहाँ पर अगर आप लोग जियो यूज़र हो तो आपको 5 GB फ्री में मिलता है। अगर आपके पास जियो की सिम नहीं है तो फिर आपको 2 GB मिलेगा, और इसे 50 GB तक एक्सटेंड किया जा सकता है अगर आप लोग दूसरों को रेफर करोगे तो। इसे इसके बैकअप ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं, इसका इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, और यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज का सपोर्ट भी मिल जाता है, इंग्लिश और हिंदी। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूं, तो जो सबसे पहला इसका मेजर कॉन मुझे लगा है वो है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं मिली है, बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। इनफैक्ट sync.com जो कि US में है, जहां पे आपको जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन भी मिल रहा है, उसकी स्पीड इससे ज़्यादा बेहतर थी। तो जियो से मेरी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी। क्यों? क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडिया है, तो यहाँ पर इंडियन यूज़र्स के लिए स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए थी, इंडियन सर्वर्स का यूज़ किया जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर हमें अच्छी स्पीड्स नहीं देखने को मिल रही है। मैंने मल्टीपल टेस्ट करके देखे और स्पीड इज़ नॉट गुड ऑन जियो क्लाउड। और दूसरी बात, यहाँ पर इनकी प्राइवेसी पॉलिसी, पहले तो ये लोग हर टाइप का आपसे डेटा कलेक्ट कर ही रहे हैं, जो भी आप लोग अपलोड करोगे उन सबको कलेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे डिस्क्लोजर में हमें ये बताया जा रहा है कि जो भी डेटा आपसे कलेक्ट किया गया है उससे ये लोग एफिलिएट्स को, ग्रुप कंपनीज को, कंसल्टेंट्स को, वेंडर्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑन अ नीड टू नो बेसिस इसे प्रोवाइड करेंगे। सो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी भी मुझे खास अच्छी नहीं लगी। अगर आप लोग एक क्लाउड स्टोरेज हो तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी इससे बेहतर होनी चाहिए। सो पर्सनली मेरी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी जियो क्लाउड से, लेकिन उनकी स्पीड और प्राइवेसी पॉलिसी देखने के बाद वो सब कुछ ढेर हो गया है। एंड इन फ्यूचर आई एम होपिंग कि ये इसे इम्प्रूव कर लें, स्पीड इम्प्रूव हो जाए, थोड़ी सिक्योरिटी, जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन आ जाए। बाकी सब इनका सही है, इंटरफेस इनका काफ़ी सही है फ्री के हिसाब से, बट इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो सकते हैं डेफिनेटली। एंड एज ऑफ नाउ इट्स अप टू यू, आपको यूज़ करना है कि नहीं। आई वोंट पर्सनली यूज़ इट और रिकमेंड इट टू माई फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन है हमारे पास ट्रेसोरिट। अगर आपको लार्ज फाइल्स भेजनी है, सेंड करना है, ट्रांसफ़र करना है एकदम सिक्योरली, प्राइवेटली, तो फिर ट्रेसोरिट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 5 GB तक की स्टोरेज मिल जाती है, 5 GB तक आप लोग यहाँ पर फाइल इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऑनलाइन फाइल ट्रांसफ़र के लिए ट्रेसोरिट इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड यूज़र इंटरफेस ऑल्सो। Tresorit के प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में मैंने बेस्ट पेड क्लाउड स्टोरेज वाले वीडियो में बात करी थी, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं।
अगला ऑप्शन है हमारे पास मीडियाफायर। मीडियाफायर काफ़ी पुरानी सर्विस है जो कि आई थी 2006 में। मैं इससे बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, लेकिन ये समय के साथ इवॉल्व नहीं हो पाई। ओरिजिनली ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी फाइल ट्रांसफ़र के लिए। अभी ये लोग एज अ क्लाउड स्टोरेज भी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट ये दोनों में ही अच्छा नहीं कर रहे हैं। फ्री स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 10 GB की फ्री स्पेस मिलती है, एंड इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स। इसे क्लाउड स्टोरेज की तरह मत देखना, अभी ये क्लाउड स्टोरेज के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं है। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो मुझे काफ़ी स्लो अपलोड स्पीड्स देखने को मिली। 844 MB की फाइल में 17 मिनट मुझे लग गए अपलोड करने के लिए। सिक्योरिटी भी यहाँ पे कुछ अच्छी खास नहीं है, इंक्रिप्शन तक नहीं है इनकी क्लाउड स्टोरेज में। जीरो नॉलेज तो बहुत दूर की बात है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक कॉमन चीज़ है जो सारी क्लाउड स्टोरेज के पास में है, चाहे वो गूगल हो जाए, जियो क्लाउड हो जाए, डिगो हो जाए, सबके पास में है, लेकिन यहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। तो सिक्योरिटी के मामले में बिग जीरो फ्रॉम मी। प्राइवेसी पॉलिसी भी इनकी कुछ खास अच्छी नहीं है। ये लोग आपकी फाइल्स को स्कैन करेंगे, कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट होगा उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देंगे जैसा कि गूगल करता है। एंड ये जो भी आप लोग एड्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्योंकि ये एड्स पे बेस्ड है, आपको एड्स देखने को मिलेंगे इनके फ्री वर्जन पे, तो जो भी आप एड्स से इंटरेक्ट करोगे वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाएगी एंड उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको दूसरे और एड्स सर्व किए जाएंगे। और इनका डेस्कटॉप ऐप भी नहीं है। सो पर्सनली आई वोंट रिकमेंड मीडियाफायर। अगर आपको सिर्फ फाइल को ट्रांसफ़र करना है और ज़्यादा सेंसिटिव फाइल्स नहीं है, मान लो आप लोग एक यूट्यूबर हो, आपको एक वीडियो फाइल भेजनी है अपने एडिटर को उसे एडिट करने के लिए, तो फिर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन स्पीड्स यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, खास करके इंडिया में। सो इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन इन माई ओपिनियन। इससे अच्छे हमारे पास दूसरे और ऑप्शन हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास GitHub। जी हाँ, GitHub डेवलपर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं तो फिर आप लोग उसे अपलोड कर सकते हो GitHub के ऊपर प्राइवेट रिपोजिटरी में। प्राइवेट रिपोजिटरी में अब यहाँ पे फ्री स्पेस भी प्रोवाइड होती है जो कि 500 MB की है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपके कुछ कम प्रोजेक्ट्स हैं, 2-3 एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स हैं, 2-3 वेबसाइट्स हैं, तो फिर वो 500 MB के अंदर आ जाने चाहिए। आप लोग उसे GitHub पे अपलोड कर सकते हो फॉर फ्री। आपको वर्जनिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, GitHub के सारे फीचर्स मिल जाएंगे एंड इट इज़ गुड फॉर बैकिंग अप योर प्रोजेक्ट्स। और अगर आप लोग डेवलपर हो तो GitHub को कैसे यूज़ करना है, Git को कैसे यूज़ करना है, वो तो आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास Dubox का। Dubox 1 TB की फ्री क्लाउड स्टोरेज देता है। इसको आपको डेफिनेटली अवॉइड ही करना है। क्यों अवॉइड करना है इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो ये थे कुछ अच्छे फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑप्शंस इंडिया में। आप सब इनके कॉम्बिनेशन का यूज़ एक साथ कर सकते हो, इनफैक्ट मल्टीपल IDs भी क्रिएट कर सकते हो। और मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ अपनी पर्सनल ओपिनियन में, तो अगर आपको फ्री क्लाउड स्टोरेज में स्टार्ट करना है तो mega.nz, pCloud, icedrive और sync अगर आप लोग दूसरे लोगों को रेफर भी कर सकते हो, और अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो sync, और अगर आपको फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो Tresorit, और गूगल ड्राइव अगर आपको कोलैबोरेट करना है। ये कुछ ऑप्शन है जिसके साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपकी स्पेस इन सब में भर जाए उसके बाद आपका लगता है समय आ गया है कि अब आप लोग एक पेड क्लाउड स्टोरेज में इन्वेस्ट करो। और अगर आप लोगों के पास TB में डेटा है या फिर 500 GB के ऊपर कुछ डेटा है तो फिर आप लोग लाइफ टाइम प्लान्स की तरफ देख सकते हो। pCloud और icedrive दोनों के अच्छे लाइफ टाइम प्लान्स अभी चल रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।